तो देखा आपने, अब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य धाम बन रहा है। राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। 2.77 एकड़ में बन रहे मंदिर के टेम्पल लेवल को खास तरह से बनाया गया और इस मंदिर पर ध्वजा भी फहराई गई है। और आपको बता दें कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण होगा। कुल मिलाकर 3 फ्लोर बनाए जाएंगे और हर एक तल की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। जानकारी के मुताबिक मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा और मंदिर में प्रवेश करने पर तकरीबन 30 से 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद गर्भगृह की तरफ श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। हम इस वक्त ज़मीन पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ से आपको अगर मंदिर की तस्वीर दिखाएं, जो गर्भगृह है वो आपको दिखाएं, तो ऊंचाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। वो जो शिखर ध्वज लहरा रहा है, तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई अभी उसकी है। जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये जो ध्वज पताका है 161 फीट ऊंचाई पर ये लहराएगा और हम इस वक्त जो पूरा ये मंदिर परिसर है वहीं मौजूद हैं और यहाँ तमाम तरीके से, जिस तरीके से सुरक्षा के सारे इंतज़ाम, सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं वो भी लिखा हुआ है। इसका निर्माण L&T कर रही है और हर एक सुरक्षा मानकों का भी अगर हम कहें तो पालन किया जा रहा है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके, ये पूरा ग्रेनाइट है, नीचे की तरफ आपको ये पूरा ग्रेनाइट मार्बल है और यहाँ ये जो आप जगह देख रहे हैं, यानी जहाँ पर आप ये सफ़ेद रंग से जो ज़मीन का स्तर देख रहे हैं, यहाँ पर इसे पूरा भरा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि यही दिखेगा, ये पूरा भर दिया जाएगा और यहाँ पर नक्काशीदार जो पत्थर है जो भरतपुर से आ रहा है वो लगा दिया जाएगा और ये पूरी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। एक तरीके से ये पूरा परिक्रमा का मार्ग हो जाएगा और यहाँ आपको अगर हम दिखाएं तो जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो जो आम श्रद्धालु हैं वो इस रास्ते से, यानी सामने की तरफ जहाँ अभी लोग जाते हैं, इस गैलरी से होकर जाते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं, तो ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। ये रास्ता सीधे यहाँ सीढ़ियों से होते हुए वहाँ गर्भगृह तक पहुँचेगा। सबसे पहले सिंह द्वार आएगा, फिर हम कहें तो नृत्य मंडप आएगा, फिर रंग मंडप आएगा, गूढ़ मंडप आएगा और फिर उसके बाद आप पहुँचेंगे जो गर्भगृह है वहाँ पर पहुँचेंगे, यानी जहाँ पर वो जो ध्वज पताका लहरा रही है वहाँ पहुँचेंगे और वही मुख्य केंद्र होगा जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। चारों जो भाई हैं वो वहीं पर विराजमान होंगे। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा, अयोध्या। निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर जब पहुंचे तो मंदिर निर्माण का काम काज किस तरीके से चल रहा है वो इसे भी देखने पहुंचे और हम अभी मौजूद हैं यहीं, ये जो गर्भगृह होगा वहीं पर मौजूद हैं और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये 161 फीट का जो ध्वजा हम कहें पताका लहराएगी वो यहीं पे लहराएगी। अभी हम फिलहाल तकरीबन 70 मीटर जो ज़मीन है उससे ऊपर है और जो ग्राउंड फ्लोर हम कहें मंदिर का, जो टेंपल लेवल कहें, वो यही है और यही मुख्य केंद्र भी रहेगा। यहीं पर जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्रतिमा है, वो यहीं पर रखी जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं शिला, ये देख रहे हैं, ये जो ध्वज पताका इसी पर लहराएगी और ये तकरीबन 70 फीट नीचे से अभी इतना है और ये कुल 161 फीट इसकी ऊंचाई होगी। गर्भगृह पर हम मौजूद हैं और यही ये मुख्य केंद्र रहेगा। ये दो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरीके के कुल 8 पिलर हैं और ये देखिए ये भी एक पिलर है और धीरे धीरे यही पिलर, यही डिज़ाइन, यही संरचना ऊपर होती जाएगी और पहला जो हम कहें कि ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा, फिर प्रथम तल का जो काम है वो शुरू होगा और वो ये काम जो है प्रथम तल का ग्राउंड फ्लोर पे जो हम मौजूद हैं ये दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन मूर्ति की हम कहें रामलला को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरा ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट मार्बल है और ये जो डिज़ाइन बन रहा है या हम कहें आधार है वो जो भरतपुर का ये पत्थर है सैंड मार्बल उससे बन रहा है। नक्काशी किस तरीके से की गई है ये भी हम आपको दिखाएं अगर, तो ये पूरी नक्काशी की गई है
मंदिर के दाहिने हाथ पे, मंदिर के बाएं हाथ पे, दोनों तरफ बराबर जो है वो कीर्तन क्षेत्र बनाया गया है और परिक्रमा भी इसी रास्ते से, इसी मार्ग से होगी। यानी यहाँ पर दर्शन करेंगे लोग और इधर परिक्रमा पूरे इस गर्भगृह की, इस पूरे परिसर की करेंगे और वापस फिर सामने की तरफ निकलेंगे। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, अयोध्या। हम इस वक्त ज़मीन पर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ से आपको अगर मंदिर की तस्वीर दिखाएं, जो गर्भगृह है वो आपको दिखाएं, तो ऊंचाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। वो जो शिखर ध्वज लहरा रहा है, तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई अभी उसकी है। जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये जो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।